मेरा नाम सारा मुबशशर है और मैंने पूछना था कि मैं अपनी सहेलियों को कैसे समझा सकती हूँ कि वक्फ़-ए-नौ क्या है। अगर वो ईसाई हैं तो उनसे कहो देखो तुम्हारी औरतें भी वक्फ़ करती हैं ना, जो नन्स बनती हैं, चर्च में जाती हैं, पुराने ज़माने में वक्फ़ किया करती थी, अब भी करती हैं, ताकि वो दीन की खिदमत करें। इसीलिए हमने भी अपने आप को वक्फ़ किया कि दीन की खिदमत करें। और जिस तरह हज़रत मरीम की वालदा ने अपनी बेटी को वक्फ़ किया था ना दीन के लिए और चर्च को दे दिया था, इसी तरह हमारे वालदैन ने भी कहा है कि उस नक्शे कदम पर चलते हुए हम भी अपने बच्चों को दीन के लिए पेश करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इसलिए वक्फ़-ए-नौ ये है कि हमारे माँ बाप ने हज़रत मरीम के वालदा के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें वक्फ़ कर दिया ताकि हम दीन की खिदमत करें। और जिनको मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है उनको कहो कि हम एक खुदा को मानते हैं और एक खुदा की तालीम ये है कि उसकी इबादत करो और एक दूसरे से अच्छा सलूक करो, अच्छी बातें करो, ठीक है। इसलिए हमारे माँ बाप ने हमें वक्फ़ किया कि तुम इस तालीम को दुनिया में फैलाओ और ये वक्फ़-ए-नौ है जो उन्होंने पैदाइश से पहले हमें कर दिया था। लेकिन ये ज़बरदस्ती कोई नहीं है, हमें आज़ादी है जमात की तरफ से कि 15 साल की उम्र में हम अपने वक्फ़ को बॉन्ड को रिन्यू करेंगे या छोड़ दें, ये हमें आज़ादी दी हुई है। इसलिए ये कहना कि ज़बरदस्ती हमारे से हो रही है, ज़बरदस्ती नहीं हो रही, हमें आज़ादी है। एक उम्र के बाद माँ बाप की एक ख्वाहिश थी, उन्होंने वक्फ़ कर दिया। अब हमारी मर्ज़ी, जब हमें अकल आ गई 15 साल की उम्र में, कि हम वक्फ़ जारी रखें या ना रखें, ठीक है।